हाय एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके सामने मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं रीमा सुषमा। रोज वही बात होती है, मुझे लगता है कि आज खूब सारा मसाला भी होगा। जी हाँ, आपके पसंदीदा दो टीम्स आज उतरने वाली हैं। एक तरफ होगी हाथी यानी मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ होगी राजस्थान रॉयल्स। आज सुषमा से शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। सुषमा, मुंबई इंडियंस 4 बार जीत चुकी है आईपीएल, इस बार भी बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है, हाथी कह सकते हैं उनको इस बार टूर्नामेंट का। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स है जिसने शुरुआत अच्छी की थी, अच्छी लय भी पकड़ी थी, पर उसके बाद कुछ गड़बड़ तो हो गया है यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि अगर आज मुंबई इंडियंस को हराना होगा तो किस रणनीति के साथ उतरना जरूरी होगा आज राजस्थान रॉयल्स के लिए? डेफिनेटली बैटिंग ऑर्डर आपको शॉर्ट आउट करना होगा कि आप किन बल्लेबाजों को लेके आज अपनी प्लेइंग 11 में जगह दे रहे हो, बिकॉज पीछे अगर हम बात करें 3-4 बैक टू बैक फ्लॉप्स रहे हैं आरआर के लिए एज कम्पेयर टू मुंबई इंडियंस, बिकॉज मोस्ट शॉर्टेड टीम तीनों डिपार्टमेंट्स में। और जिस मुझे लगता है कि जिस तरीके का वो नाम है ना मुंबई इंडियंस, चैम्पियंस है ऑलरेडी, वो बहुत ही मैच्योर टीम मैनेजमेंट से लेके अगर बात करें कैप्टन तक, हर एक चीज़ वेल प्लान दिखती है ना, कि आप कहीं भी आपकी वो फ्लॉज नहीं नज़र आते हैं आपकी प्लेइंग 11 में, आपकी मतलब जितनी कूल और काम तरीके से रोहित शर्मा इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं ना, देखते ही बनता है कि वो चैम्पियन टीम क्यों है, चैंपियन कप्तान क्यों है आपके पास। और राजस्थान रॉयल की बात रही तो आज आई एम होपिंग कि रॉबिन उथप्पा अगर खेल रहे हैं, अगर मैनेजमेंट चाहती है कि उनको फिर मौका मिले, तो वो फिर मुझे लगता है कि जिस ऑर्डर के वो बल्लेबाज है उनको उस नंबर पे आना चाहिए। यहीं पे इसी से मैं सवाल आपसे पूछती हूँ रीमा जी, रॉबिन उथप्पा सवाल उठाए जा रहे हैं लंबे समय से, क्या बतौर ओपनर वो बेहतर करते हैं? आपको लगता है कि उनकी वो जगह है ही नहीं जहाँ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद ये कारण है कि लगातार उनके बल्ले से वो रन बन ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, सवाल उठाने वाले उन्होंने ऐसे काम किए हैं क्योंकि आप लगातार इतने मैचेज अगर फ्लॉप होते हैं और आप सीनियर खिलाड़ी हैं तो डेफिनेटली आप पे उंगलियां उठती हैं। लेकिन यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर चेंज होना चाहिए क्योंकि अगर वापस जीत की पटरी पे इनको आना है तो, क्योंकि ज़्यादा अगर मैचेस लूज करेंगे तो वापसी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये T20 जो है मोमेंटम की गेम है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो आप रॉबिन उथप्पा को आज बाहर रखिए और यशस्वी जायसवाल को अंदर लेके आइए, आप उनको ओपन करवाइए ताकि स्मिथ वन डाउन आए और आपकी बैटिंग में थोड़ी स्टेबिलिटी आए। स्मिथ मिडिल ओवर में जो यंग खिलाड़ी है रियान प्याक, उनके साथ खेलें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी ग्यारह में आज उथप्पा नहीं बैठते। यहाँ पे उथप्पा की बात हो गई, यहाँ पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस चाहेगा जो उथप्पा तो खेल लें और साथ में जयदेव उनादकट भी आज आ जाए तो थोड़ा उनके लिए हराना आसान हो जाएगा? आई थिंक उनादकट पे भी वही जिस तरीके से रीमा दी, बिकॉज आपसे एक्सपेक्टेशन, आप टीम के लिए वो मैच परफॉर्मर रह चुके हो ऑलरेडी, आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हो तो एक्सपेक्टेशन है। ऑफकोर्स अभी जोफ्रा आर्चर दूसरे एंड से बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो इतना हमें लग नहीं रहा है कि, बट ये ज़रूर है कि अगर आप देखेंगे पिछले गेम में भी नवदीप सैनी की अगर हम बात करें तो एक एंड से आप अच्छा डाल रहे हो बट दूसरे एंड से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप भी बिखर जाते हो, कहीं ना कहीं आपको आप पे डबल प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर पे प्रेशर नहीं कहूँगी बट एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपको अर्ली ब्रेक थ्रूस नहीं मिलेंगे, आप पावर प्ले में विकेट्स नहीं दोगे तो वो पावर प्ले में विकेट्स दिलाना है, अगर आपका फास्ट बॉलर फॉर्म में है तो वही विकेट दिला सकता है आपको, बट उनादकट मुझे नहीं दिखा कि वो इस तरीके के रिदम में अभी तक आए हैं। होपफुली अगर खेल रहे हैं तो आज उम्मीदें रहेगी, ऑफकोर्स हमेशा की तरह अगर 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 वो खेल रहे तो टीम मैनेजमेंट क्या चाहती है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनकी रिप्लेसमेंट अगर वरुण आर्यन अगर आ रहे हैं तो वो भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। इनफैक्ट मैं पढ़ भी रही थी, कई लोगों का सवाल था कि अगर आपके पास वरुण आर्यन जैसा खिलाड़ी है जो कि बेंच पे बैठा है तो उसको क्यों नहीं खिला रहे जब आपने उनादकट को इतने मौके दिए हैं और पहले आपने उनको खरीदा था। मुझे लगता है कि अब तक उनका जो प्राइस है वो कम 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 करते हुए वो खरीदते जा रहे हैं, मौका भी उनको दिए जा रहे हैं। वरुण आर्यन है उनके पास बेंच पर, वहाँ पर मौका बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। आई थिंक 3 और 4 अपॉर्चुनिटीज मोर देन एनफ, और आप अभी यू आर नॉट यंगस्टर कि आपको अभी एक्सपीरियंस करना है उस लेवल को, बट ये ज़रूर है कि उम्मीदें उनसे है, बट वरुण आर्यन को चांस मिलना चाहिए। अगर आप देखें कल की मोहम्मद सिराज को चांस मिला और उन्होंने परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है कि जो बाहर बैठे हैं ना देर वो उनसे भी ज़्यादा ईगर है अंदर परफॉर्म करने के लिए, और फिर वो एक तरीके का प्रेशर आप कहो या कॉम्पिटिशन कहो वो बहुत एक्साइटिंग हो जाता है। एब्सोल्युटली, और यंगस्टर्स की बात लगातार हो रही है रीमा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, यंगस्टर्स ने इस बार इस पूरे मुकाबले में कमाल कर रखा है, मतलब सीनियर्स पे हावी हो रहे हैं, कल भी मैंने बोला था और हमने देखा भी है, बहुत वो जो युवा खून होता है वो हमें देखने को मिल रहा है, बेहतरीन शॉट्स हमने कल लगाते हुए देखे पृथ्वी शॉ को। अगर आज के बारे में भी बात करें, एक बार हमने देखा यशस्वी को, उसके बाद
उनको खिलाया ही नहीं गया। आपको नहीं लगता रियान पराग को थोड़े मौके देती है टीम, उन पर भरोसा भी जताया, यशस्वी को एक बार खिलाया और नहीं चले और हटा दिया, आपको लगता थोड़ा और उनको ओपन कराना चाहिए और अब जरूरी भी है टीम के लिए जिस तरीके से हारी है बैक टू बैक जो? जी हाँ बिल्कुल, और बाकी टीम को भी देखेंगे तो सब लोग अपने यंगस्टर्स को बैक कर रहे हैं और अभी तक युवा खिलाड़ी हैं जो लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं। हर टीम का कोई ना कोई प्लेयर उठा सकते हैं युवा खिलाड़ी, लेकिन राजस्थान रॉयल ने शायद वो वहाँ पे चूक हुई क्योंकि उन्होंने बैक किया जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उत्तपा को, और पराग ने भी अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी उत्तपा की जगह आप यशस्वी को लेके आइए। आप ये युवा खिलाड़ी है और बहुत टैलेंटेड है, अगर आप इनको बैक करेंगे तो इनके पास भी वो शॉट्स हैं जो आप देवदत्त पदिकल के पास देखते हैं, फ्लिक शॉट अच्छा खेलते हैं, लॉफ्टेड शॉट की रेंज है इनके पास, जब आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स होती है ना तो उस खिलाड़ी का मौका बनता है। तो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में मैं कहूँगी चूक रही है आरआर और किंग्स 11 भी, इसलिए शायद ज़्यादा उनके पास हार है बजाय कि जीत के। वैसे तो पलड़ा पता ही है किसका भारी लग रहा है क्योंकि मुंबई इंडियंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है अंक तालिका में, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए भी मुकाबला इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो भी आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश करेगी, पाँचवें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें पलड़ा भारी है बिल्कुल, यहाँ पे सुषमा से पूछ लेते हैं। ऑन पेपर्स आप कहो या जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा था कि मोस्ट शॉर्टेड टीम, इतनी कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत रिलैक्स्ड है, आपको कोई आपके मिडल ऑर्डर शॉर्टेड है, आपका टॉप ऑर्डर शॉर्टेड है, आपके फास्ट बॉलर स्पिनर, मुझे लगता है कि बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इस टाइम पे। अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल की तो वो वही तलाश कर रहे हैं और बड़े नाम है आपके पास, बड़े प्लेयर है, अगेन जॉस बटलर से उम्मीद है और संजू सैमसन फिर से जिस रिदम में थे वो लास्ट मैच में नहीं कर पाए, बट आज फिर से उम्मीदें रहेगी बिकॉज उन दोनों का परफॉर्म करना टॉप ऑर्डर से बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही सेट कर देता है फिर पूरे मैच का मोमेंटम कि किस तरीके कहाँ जाएगा मैच। ऑफकोर्स जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल खेलना चाहिए, और अगर हम बात करें रायन प्रयाग की तो डेफिनेटली वो एक ऐसा खिलाड़ी है मेरे, मुझे लगता है कि जो जिन्होंने पहले भी बीच में राजस्थान रॉयल्स को उनका टैलेंट पता है कि लास्ट कुछ गेम्स में लास्ट सीजन में उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की थी, तो शायद इसीलिए वो उनको बैक कर रहे हैं मिडल ऑर्डर में। और मिडल ऑर्डर आपका अभी इतना एक्सपोज नहीं हुआ बिकॉज संजू सैमसन ने अकेले संभाल रखा था, एक मैच में जब आपकी बारी आती है तो फिर आप टोटली फ्लॉप हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपके ओपनर्स आपके टॉप थ्री बल्लेबाजों का चलना शुरू में बहुत ज़रूरी हो जाता है, और फिर आप किस तरीके से आप अपना टॉप ऑर्डर आप यशस्वी जायसवाल को लेके आते हो, आप फिर आप चाहते हो कि संजू सैमसन वन डाउन जा रहे हैं या फिर ग्रेम स्मिथ जा रहे हैं, तो वो एक चैलेंज है राजस्थान रॉयल्स के लिए, किस तरीके से वो डिसाइड करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए खूब सारा चैलेंज होगा, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए यहाँ पे आज चैलेंज थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन मैदान पे क्या होगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्रिकेट है भाई, यहाँ कुछ नहीं कह सकते, यहाँ कुछ भी हो जाता है। लेकिन मुंबई इंडियंस की बात करें प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, कौन से होने वाले हैं वो खिलाड़ी जिस पर नजर रहने वाली है? कोई उठा लो आप, सारे खिलाड़ी ऊपर से एक यार उनकी बैटिंग ऑर्डर है, आप रोहित शर्मा को आउट करोगे, डिकॉक है सामने, फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, फिर पांड्या ब्रदर्स आते हैं, स्ट्राइक रेट से खेले मतलब पोलार्ड अभी तक डिसमिस नहीं हुआ इस पूरे टूर्नामेंट में, तो ये खतरनाक टीम है, इसलिए किसी एक को चूज करना दूसरे के साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज हार्दिक पांड्या का दिन बन सकता है क्योंकि हार्दिक पांड्या बिल्कुल मुझे लगता है कि उनकी एक बड़ी इनिंग ड्यू है, कहीं ना कहीं अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर से भरोसा जताया जा सकता है क्योंकि जो रोहित है वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लास्ट मैच में जल्दी आउट होते तो आज उनको आउट करना मुश्किल हो रहा है उनका, एक में चल रहे हैं एक में नहीं चल रहे, फिर एक में चल रहे एक में नहीं चल रहे, लास्ट में जल्दी आउट होते, यानी आज तो उनका छठा मैच है, डेफिनेटली वो चल सकते हैं, तो या तो हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा मैं कहूंगी। और अगर गेंदबाजी की अगर हम बात करें, बुमराह कितने अच्छे गेंदबाज, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको लगता है कि अभी और ज्यादा उम्मीदें होती है, वो होता ना जिस कैडर के आप खिलाड़ी होते हैं उम्मीदें बढ़ती रहती है, उन्होंने अपना बेंचमार्क खुद ही सेट किया है, वहां तक पहुंचना भी बाकी है, लेकिन अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, एक आधे मैच में देखो पिटाई होगी क्योंकि आप 15 के 15 मैचेस में तो भगवान बन नहीं सकते, तो मैं कहूंगी कि डेफिनेटली उनका वो फॉर्म अभी आ सकता है और आ रहा है, रिदम में आ रहे हैं, उनके यॉर्कर्स जब देखने को मिलते हैं ना इसका मतलब उनको वो लय मिल चुकी है, तो डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी रहेंगे क्योंकि आज के जो सामने बल्लेबाज हैं आरआर के टॉप थ्री आप देख लो तो वो बेस्ट है, मैं कहूंगी अगर वो चल जाए तो आज हो सकता है उनके नाम ये जी हाँ। देखिए क्रिकेट जो है ना मोमेंटम की गेम है T20, जहाँ आपने 3 विकेट जल्दी लूज की और आप कोलैप्स हो गए जैसे कल RCB हुआ था, तो यू नेवर नो उस टाइम कि किसको मोमेंटम मिलता है, इसीलिए इस फॉर्मेट में जल्दी मोमेंटम पाके गेम में आना बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा अगर यहाँ पे टॉस की बात करें अंत में, टॉस जीत करके दोनों की रणनीति आज अलग रहने वाली है क्योंकि आज अबू धाबी में मैच है और यहाँ पे चेस करने वाली टीम मतलब मुझे नहीं लगता है कि जीत पाई, हालांकि RCB जीती थी यहाँ पर, बट अगर आप 10 में से कोई एक मैच जीत जाता है तो आप वो डिसीजन को मत मानिए, आप प्लीज बल्लेबाजी कीजिए, नहीं तो फिर वो प्रेशर आपको रन बनाने ही नहीं दे रहा, और ये हम देख चुके हैं, हम देख रहे हैं बहुत बहुत कम ऐसे मैचेस हैं जिसमें आप रन चेस कर पा रहे हो।
अदरवाइज जो बैट फर्स्ट कर, मुंबई इंडियंस ये सोच सकती है कि हम चेस कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टॉप से लेके बॉटम तक बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है जहाँ सब चल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी मत सोचिए क्योंकि जब अगर बाई चांस बटलर ने ऐसी कोई पारी खेली, स्मिथ ने कोई पारी खेली, संजू सैमसन कितने डेंजरस है, इन्होंने किसने भी बड़ी पारी खेली, अगर आपको 180 के करीब रन मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कितनी मर्जी लंबी बैटिंग लाइनअप क्यों ना हो, वो प्रेशर आपको रन बनाने नहीं देता। तो कौन जीतेगा आज आपका तुक्का? सुषमा, तुक्के मैं रोज लगवा रही हूँ आजकल आप लोगों से। ऑफकोर्स मुंबई का बलड़ा भारी है, बट वही है फिर कि अगर आप आपके बड़े नाम अगर राजस्थान रॉयल से चल गए तो फिर शायद उनको रोकना भी नामुमकिन है। लेट्स होप फॉर कि राजस्थान रॉयल जीते, बिकॉज उनका जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मुंबई ऑलरेडी अंक तालिका में मैं कहूँगी कि दे आर ऑन ऑलमोस्ट टॉप थ्री में चल रहे हैं, तो राजस्थान रॉयल एक और स्टेप आगे निकले। तो उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है राजस्थान रॉयल्स। आपका दिल क्या कह रहा है? वन वर्ड आंसर, मुंबई। मुंबई तो आज देखिए वन वर्ड आंसर है, और मैदान में क्या कुछ होगा वहाँ पर भी वन वर्ड में हम बोल पाएंगे नहीं यार, ये थी बेहतरीन टीम, ये तो आने वाला जो समय है वही बताएगा। तो इंतजार रहेगा कि भाई जब टॉस होगा उसमें क्या कुछ फैसला लेने वाले दोनों टीम के कप्तान, और साथ ही में मैदान में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं। बहुत अनसर्टेन गेम है क्रिकेट, लेकिन तब तक के लिए आप सभी अपनी नज़रें बनाए रखें TV9 भारतवर्ष पे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के साथ हम लोग ऑफिशियली एसोसिएटेड भी हैं और हम दोनों ही टीम्स को अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, पर ऑब्वियसली जिसके साथ आप एसोसिएटेड होते हो दिल उसके लिए धड़कता है। तो अच्छा परफॉर्म करें राजस्थान रॉयल्स, हम यही आशा करते हैं। साथ ही में आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।